धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बंपर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवगछिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जायसवाल 9709611005829294316। नमस्कार, मैं हूं नीतूजा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। तेजस्वी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को चेताया, कल मतगणना के दिन ना करें हुड़दंग और आतिशबाजी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कल वोटों की गिनती होने वाली है, इस पर सबकी नजर टिकी है। कई एग्जिट पोल पर महागठबंधन की सरकार बनने के करीब बता दिया गया है। इस बीच तेजस्वी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी कीमत पर मतगणना के दिन हुड़दंगपनी और हर्ष फायरिंग और आतिशबाजी ना हो। चिराग के बर्थडे विश का तेजस्वी ने दिया जवाब, एलजेपी अध्यक्ष को भाई कहकर किया संबोधित। बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। तेजस्वी यादव आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव को देश भर से जन्मदिन की बधाई मिल रही है। तेजस्वी को बर्थडे गिफ्ट में सीएम की कुर्सी मिली, बड़े भैया तेज प्रताप बोले नीतीश जी जा रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन लालू परिवार बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन परिवार की मौजूदगी में ही आधी रात को बर्थडे केक काटकर मनाया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके छोटे भाई को सीएम की कुर्सी बर्थडे गिफ्ट के रूप में मिली है। ऑफ कोरोना ऑन, अगस्त के बाद पहली बार पटना में मिले कोरोना के 432 मरीज। चुनाव के बाद कोरोना का बजा अलार्म, कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव कराया गया, इस जीत का असर देखने को मिल रहा है। 19 अगस्त के बाद पहली बार राजधानी पटना में 432 मरीज कोरोना के मिले हैं। पटना में तेजी से संक्रमण बढ़ने लगा है, जांच करने वाले कई मरीजों का रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आ रहा है, जिससे नाराज लोग रिपोर्ट दबाने की बात का आरोप लगा रहे हैं। बिहार में मिले कोरोना के 865 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,23,477। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 865 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,23,477 हो गई है। शादी के बाद ससुराल से प्रेमी के साथ फरार हुई थी महिला, पिता ने हत्या का लगाया था ससुराल वालों पर आरोप। शादी के 3 महीने बाद ही युवती ससुराल से प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। उसके बाद उसके पिता ने बेटी की हत्या का ससुराल वालों पर केस दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जब जांच में जुटी तो हैरान हो गई। पता चला कि यह जिंदा है और वह अपने प्रेमी के साथ रह रही है। पुलिस ने उसे यूपी के चंद्रौली से बरामद किया है। संदिग्ध हालत में बैंक कर्मी की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जमुई जिले के चकाई यूको बैंक में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पद पर कार्यरत एक बैंक कर्मी का शव सोमवार की सुबह कमरे में संदिग्ध हालत में मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। तेजस्वी का जन्मदिन आज, जीतन राम मांझी ने दी बधाई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। तेजस्वी यादव आज अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेजस्वी यादव की बर्थडे पर सुबह से ही बधाई देने वालों की तांत लगी हुई है। दो आतंकवादियों को ढेर कर शहीद हुआ बिहार का लाल, 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे कैप्टन आशुतोष। दो आतंकवादियों को मारते हुए बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष कुमार समेत 4 जवान रविवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के मछली इलाके में शहीद हो गए। शहीद जवानों ने आतंकियों के घुसपैठ के मंसूबे को नाकाम करते हुए उन्हें मार गिराया।
अनंत सिंह के यहाँ जीत से पहले ही जश्न की तैयारी, 15,000 लोगों के खाने की हो रही व्यवस्था। बाहुबली अनंत सिंह के यहाँ पर जीत से पहले ही जश्न की तैयारी चल रही है, 15,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इन सारी तैयारियों पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी खुद नजर रख रही हैं। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।